दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली नजदीक है और लोग अपने घरों में जो मुख्य द्वार होता है उसके दाहिनी और बाईं तरफ शुभ और लाभ लिखते हैं। इसका क्या महत्व होता है और क्या इसमें शास्त्र मत है? शुभ और लाभ, शुभ का नाम क्षेम है, ये आपके शिव पुराण में प्रथम खंड में रुद्र संहिता के द्वितीय भाग में पांचवा चतुर्थ खंड का अंत होने पर पांचवे खंड के युद्ध खंड में यह वर्णन है कि उनका विवाह हुआ गणेश जी का, उनके दो कन्याओं से विवाह हुआ जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, जिनका नाम शुभ सिद्धि और बुद्धि था, जिन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से भी लोग जानते हैं। तो सिद्धि यदि मिलेगी तो लाभ प्राप्त होगा और यदि बुद्धि सटीक होगी तो शुभ होगा, कल्याण होगा, क्षेम होगा। तो बुद्धि से क्षेम उत्पन्न होते हैं और सिद्धि से लाभ, और हर व्यक्ति शुभ और लाभ दोनों चाहता है। यानी कल्याण क्षेम माने कल्याण होता है और लाभ मतलब कि मैं कुछ भी करूं उसके मेरे दसों उंगलियां घी में हो, ऐसा भाव होता है। तो चाहता तो हर व्यक्ति है, लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा वही जब दीपक जल जाएगा। इसलिए दीपक जलने के बाद हमारे यहाँ की मान्यता है कि यदि परमात्मा आए तो पहले उसे कल्याण मंगल कलश जैसे देते हैं ना, वही क्षेम है, शुभ है, और जो हम तोरण बांधते हैं वही लाभ है, जिसके कारण हम गेंदे के फूल और आम के पत्ते लगाते हैं। तो आम के पत्ते बाहर से निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति को रोकता है, और जो गेंदा का फूल होता है वो अंदर की अच्छी ऊर्जा को बाहर जाने से रोकता है और बुरी ऊर्जा को बाहर करता है, ये लाभ है। इसलिए दोनों तरफ तोरण जुड़े होते हैं, शुभ और लाभ से जोड़कर एकाकार किया जाता है, उसे दे दीपमान हमारा सौभाग्य होता है, इसलिए शुभ लाभ लिखा जाता है।